अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मगर ये शादी ना तो सरहदी खिलाफ वर्जी है और ना ही मामूली पंजा आजमाए, क्योंकि ये हमारे लिए खुला ऐलान जंग है। बालों के नीचे एक पोशीदा निशान है, आप याद करें, एक सलीबी जो आपके महल में अर्तुरुल पर हमलावर हुआ था उसके सर की पुश्त पर भी ऐसा ही निशान था। एकल अजीज ही क्या, पूरी दुनिया भी चाहे तो नहीं छीन सकती तुम्हें मुझसे, न तुम्हें हवाले करूंगा इनके, न इन जालिमों को यह इजाजत दूंगा कि ये जुल्म ढाएं सब लोगों पर। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वापसी का रास्ता नहीं है भाई। आलम इस्लाम को फसाद से बचाने के लिए अफतालिया नामी फितने का जिंदा रहना हमारी जिंदगियों से ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ने साथ दिया तो ऐसा ही होगा भाई, कबीले की बका भी इसी से मुंसलिक है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुर्कुत की जिंदगी बचा लेना भाई। अल्लाह हमारी मदद करे, आमीन। कमांडर साहब, खुदारा दरगाह का एहतराम करें, ये गुनाह है, ऐसा ना करें। खुदारा ऐसा ना करें, चले जाए यहां से, दरगाह की बेइज्जती ना करें, अज़ाब इलाही को आवाज मत दें, ना करें ऐसा, खुदारा ना करें। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, अगर इनकी तरह मरना नहीं चाहते तो आगे बढ़ो। जल्दी आ जाओ। वो बदबख्त नासिर ही है, लगता है मुखबरी हुई है भाई, उनकी तादाद ज्यादा है। खेल खत्म हो चुका, जहन्नुम की आग मुंतजर है तुम्हारी। मुंह बंद करो वरना भूल जाऊंगा तुम औरत हो। इस औरत को यहां से निकालना जरूरी है। बेफिक्र रहें, सिर्फ इसको नहीं आपको भी यहां से निकलना होगा। आप साथ नहीं होंगे हमारे? वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे साथ आइए। चले, जल्दी करें, नीचे उतर जाएं। आपको खतरे में कैसे छोड़ दें? मैं ये दरगाह नहीं छोड़ सकता, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। क्या हुआ, जल्दी खोलो दरवाजा, तोड़ दो ये, जल्दी करो सिपाहियों।
बागी कहां पर हैं दरवेश? कौन से बागी? मुझे बताओ कि कहां गए हैं वो गद्दार? अल्लाह ही जानता है कि वो कहां गए हैं। मुझे लगता है कि आपको गलत खबर मिली है, कोई गलत फहमी हुई है। दरवेश, वो लोग गद्दार हैं, हमारे दीन और सल्तनत के मुनकिर हैं वो। ये काम दरगाह की अजमत के खिलाफ है दरवेश, क्योंकि हम हलब की सलामती चाहते हैं। बताओ कहां है वो गद्दार? जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद मत फैलाओ तो कहते हैं कि हम तो इसलाह करने वाले हैं, बस मालूम हुआ कि वो तो भारी नुकसान उठाने वाले हैं, लेकिन वो समझते नहीं। अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाओ, मैं अर्तुरुल और आया खातून की जाए मुलाकात पर जाता हूं। ये मेरी हिफाजत के लिए है, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो। तुमने कहा था कि जिंदान में एक मुसलमान कैदी मौजूद है, याद है ना ये बात तुम्हें? कुछ याद नहीं मुझे, शायद एक शख्स था मगर पता नहीं कहां होगा वो। मैं कहां हूं, यहां कैसे आया मैं? तुरकुत, तुरकुत, क्या हुआ तुम्हें? तुरकुत, तुरकुत, याद रखना इज़ादोरा, जिसके लिए परेशान हो रही हो वो एक तुर्क है। ये जंगली भेड़िये होते हैं, अगर ये अपने शिकार को एक दफा जकड़ लेते हैं अपने पंजे में, फिर तब तक नहीं छोड़ते जब तक जान न निकल जाए। तुम ठीक हो ना तुर्कुत? उठाओ इसे। आज अफ्तालिया की आखिरी रात होगी जनाब कार्डिनल। और शादी वाला काम? वो भी संशय हो गया। उम्मीद है तुम सच कह रहे हो पेट्रुशियो, क्योंकि तुम्हारी सलीबी जंग और मेरा पापायाजम बनना इसी पे मुनसिर है। सुनना चाहोगे कि पापायाजम को रास्ते से कैसे हटाया मैंने? एक एक लम्हे की तफसील जानना चाहूंगा मेरे आली कदर थॉमस। बैठिए, थक गए होंगे आप। एक जाम मिल जाए तो फिर उतर जाएगी ये थकन।
ये मेरी खुशकिस्मती है। तुम तीनों उस तरफ जाओ और तुम मेरे साथ आओ। सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म पर पैगाम लेकर आया है एलची बनकर। वो अपने अलावा किसी को कुछ भी नहीं समझता। फिर आपका क्या इरादा है मीरा अली कुदर? मैंने मुशीरों से गुफ्तगू की है। हम तुर्क कबाइल की जानिब अपने एलची रवाना करेंगे और कारा तोयगर की हरकतों और धमकियों से उन्हें आगाह करेंगे और बताएंगे कि उनका शहजादा हमारे साथ है और जो सुल्तान अलाउद्दीन की हुक्मरानी के खिलाफ हैं उन्हें हमारे निकाह पर मदु किया जाएगा। मगर इसके खतरनाक नतीजे बरामद हो सकते हैं। आपके इन इकदामात को कबाद अपनी सल्तनत के खिलाफ ऐलान जंग तसव्वुर बेफिक्र रहें। इस मुतालिक बात में हम गौर व फिक्र करेंगे। फिलहाल मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि बाकायदा शादी की तकरीबात से कबल मैं हलीमा को अपने निकाह में लेना चाहता हूं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे अमीर अली कदर। अमीर अली कदर, जी शहजादे, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें। सुन रहा हूं मैं, कहिए शहजादे। हलीमा बाजी कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और को चाहती हैं। किसको? अर्तुरुल भाई को चाहती हैं। आप मेरी बाजी से और हम लोगों से दूर रहें। साहब कहां रह गए? Yeah!
बंसी, जल्दी करो, आ जाओ। अर्थुर, ये कौन है? अवतालिया। क्या करेंगे हम? यहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है भाई। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है। हम हार तस्लीम नहीं करेंगे, कभी नहीं मेरे भाई। अब कहां जा रहे हैं भाई? तुम्हें पता तो है इनके साथ चलने के लिए घोड़े की सी रफ्तार होनी चाहिए। चलो आ जाओ। Yeah.
अर्तुरुल साहब, आया जान। अस्मा कहाँ है? अस्मा ने खुद को आग लगा ली। अब हम क्या करेंगे? अलाजीज से रूबरू बात करना होगी, उसे हकीकत बताना होगी। अगर जरूरत पड़ी तो नादान बच्चे की तरह उसके साथ सख्ती भी करना पड़ेगी मुझे, जब तक उसकी आंखें नहीं खुल जाती। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? उसे बाहर लाना होगा महल से। अर्तुरुल, अलाजीज शादी की तकरीब से पहले ही हलीमा से निकाह करना चाहता है। आज या कल निकाह हो जाएगा। अलाजीज की खानदानी रस्म है कि दूल्हा निकाह के बाद दुल्हन को अपने साथ शिकारगाह ले जाता है। अलाजीज उस दिन ही महल से निकलेगा, तभी मैं आप दोनों की मुलाकात करवा सकती हूँ। मैं जल्द ही पैगाम भिजवाऊंगी आपको, मेरे पैगाम का इंतजार कीजिएगा। अर्तुरुल, ठीक है, आप जाएं जल्दी। कौन हो तुम? उस बिसोल का भाई जिसे तुमने कत्ल किया था। टाइटस अबू हश्याम, कुद्स में अबू हश्याम, हलब शहर में कमांडर, अरकाई कबीले में ताजिर। क्या हुआ, गहरे सदमे में लगते हो? एक नाम शैतान के साथ भी जोड़ दो टाइटस, नेक रस्ते से भटकाने वाला शैतान, कमजोरों के दिलों में वसवसे डालने वाला, ज़ईफ़ुल अकायद अल्लाह के बंदों को झूठे ख्वाब दिखाने वाला शैतान। लेकिन इस शैतान को भगाने के लिए अल्लाह का नाम ही काफी है। तुम्हारे जंगजुओं को तुम्हारे कबीले में मारा, तुम्हारे लोगों की आंखें मेरे सोने से खीरा हैं, तुम्हारा अजीज तुर्गुत मेरे किले में रोज दुआ मांगता है अपनी मौत की। ये सब इसी काबिल थे और आज हम भी आमने सामने हैं। अब तुम वहां जाओ अर्तुरुल, जहां तुम्हें होना चाहिए। Oh.
तुर्गुत की कोई खबर अफसन पाशा? तुर्गुत के लिए मैं सलीपियों के किले में दाखिल हुआ था। तुर्गुत जिंदा तो है ना अफसन पाशा? हम उसकी मौत की दुआ करने के अलावा उसके हक में और कुछ नहीं कर सकते। कुछ और मामलात भी हैं जिनका आपके इल्म में होना जरूरी है, मगर मगर क्या बोले अफसन पाशा, मगर क्या? बहुत खूबसूरत दो लड़कियां थी ओबुस कबीले में। हमारी तरह खूबसूरत? हाँ, हमारी तरह। वो दोनों इतनी होशियार और हसीन थीं कि बाबा उनको कहते थे कि मेरी बेटियों के रिश्ते चराग लेकर ढूंढोगे तो भी मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे बाबा भी यही कहते थे क्या? ये हमारे बाबा ही कहते थे गुप्त जी। फिर एक दिन अपनी बेटियों को पहाड़ की चोटी पर ले गए जहां किसी इंसान के कदम कभी नहीं पहुंचे थे। जब पहाड़ पर इंतजार कर रही थी वो दोनों तो वहां से एक सुरमई भेड़िए का गुजर हुआ और फिर उस सुरमई भेड़िए ने बड़ी बहन से धूमधाम से शादी कर ली। बूझो तो वो सुरमई भेड़िया कौन था? गंदोगदू भाई। और छोटी बहन ने उसके छोटे भाई से शादी कर ली। कुछ अरसे बाद दोनों बहनें उम्मीद से हो गईं। जब उनके बेटे पैदा हुए तो उनकी आवाज भेड़ियों से मुशाबे थी। उनका कबीला इन बहनों के खून से आगे बढ़ा। बहुत खुश थे कबीले के सब लोग। खुशहाली उस कबीले के लोगों का मुकद्दर बन चुकी थी। बिल्कुल इसी तरह काई कबीला भी हम दोनों बहनों के खून से आगे बढ़ेगा। पहले बात सुन ले इसकी। सिर्फ आपकी वजह से इस बदजात की जान बख्श रहा हूं अफसन पाशा। हाँ, ये यहां कैसे आया अर्तुरुल? रुक जाए भाई, इस मामले का आगाज तुम्हारा शहजादों और हलीमा सुल्तान को आजाद कराने से हुआ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी इस गलती का कफारा काई कबीले को नहीं बल्कि सलजुकियों और अय्यूबियों को अपनी जान की कुर्बानी देकर अदा करना पड़ेगा।
बहुत मुसलमानों का खून बह गया अर्तुरल। सलीबियों ने खुद शहजादे यगित को अल अजीज के हवाले किया है, जानते हो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हलीमा सुल्तान और अल अजीज की शादी हो जाए। आखिर कैसे जानते हो तुम ये सब? हलीमा सुल्तान ने अपने भाई की वापसी की शर्त रखी थी अल अजीज से। सलीबियों ने उसे भेजकर शर्त पूरी कर दी और हम इसमें रुकावट डालना चाहते हैं। अगर हम शहजादे को बचा लेते तो हम इस शादी को रोक सकते थे। बदकिस्मती से सूरत हाल यह है अर्तुरल। तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हमारा दुश्मन एक ही है? तुमने हमारा सलीबियों के खिलाफ बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अल अजीज के हलीमा से तारुफ की वजह भी तुम ही बने अर्तुरल। नासिर का मकसद सुल्तान अलाउद्दीन और अय्यूबियों को आपस में लड़वाना है और तुम्हारी वजह से वो इसमें भी कामयाब हो गया। तुमने मेरे ही नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। यानी तुम्हारे कबीले और अपनी सल्तनत को इस खतरे से बचाने के लिए आपस में हाथ मिला लें हम। आ जाए, वहां है उसकी लाश हफ्ताले की। नासिर, ये अर्तुरल अल अजीज और शहजादी हलीमा की शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम अपनी आंखें खुली रखना। उसका इश्क ही उसकी कमजोरी साबित होगा। ऐसे किसी आदमी से बात नहीं करूंगा जिसके हाथ मेरे आदमियों के खून से रंगे हों। अफसिन पाशा, अर्तुरुल, उन्होंने दरगाह चला दी और कत्ल कर दिया दरवेशों को। नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा, वो तुम्हारा कबीला भी चला देगा। क्या तुम लोग तमाशा देखते रहोगे? अर्तुल भाई, एक बार फिर सोच लें। जो रास्ता गलत हो उस पर चलकर मंजिल नहीं मिलती। अफसिन पाशा, आप भी रास्ते से भटक रहे हैं। दोबारा ये बदनस्ल या आप कभी मेरे रास्ते में अगर आए तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। अब क्या करना है कारतोईगर? हाँ, हम काम करेंगे। गुंदोग तो समझदार लगता है मुझे, हमें उससे रابطे में रहना चाहिए। मेरे सलीबी साथियों,
उम्मीद है कि मुझे आपके किले में खुश आमदीद कहा जाएगा। कबीला है मगर उसके पास कोई जमीन नहीं। हमें अल्लाह ने चार बेटे दिए लेकिन चौथे बेटे का कुछ मालूम नहीं कि जिंदा है या मर गया। कैसी आजमाइश है ये। तुंदार मेरा छोटा और लाडला बेटा है। बहुत जल्द सेहतियाब होगा मेरा बेटा। इंशाल्लाह मैदान जंग में धूम होगी इसकी। और देखना हमारे दोनों फर्जंद भी बहुत जल्द फतेहयाब होके लौटेंगे। हौसला रखो आयमा। हिम्मत हो हमारी औरतों के लिए तुम्हें ताकत बनना है हायमा। मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आए ने मेरे अर्तुरुल का दीदार करा दे ताकि मेरे दिल में लगी आग को करार आ जाए। मेरे परवरदिगार अर्तुरुल को हिम्मत दे कि वो मुझे इस कैद से आजाद करा दे। अगर कारा तोयगर की बातें सच निकली तो कारा तोयगर जाहिरन तब्दील हुआ है। बस उसका बातिन वही है। मुझे नहीं लगता सुल्तान अलाउद्दीन का एतमाद हासिल है उसे। तो फिर वो क्या साजिश कर रहा है ये मालूम करना है अभी। मगर पहले नासिर का हाथ आना अहम है हमारे लिए। इसके अलावा चारा नहीं कोई। अलजीज का लश्कर किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है हमारे पड़ाव पर। हमें फौरी कोई हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। आया जान का जहन तब्दील हो गया है। उनसे मुलाकात कर लूं फिर कोई फैसला करते हैं। अर्तुरुल तुम हल्लब अकेले नहीं जा सकते। अगर रात तक वापस ना आया मैं तो आप पड़ाव चले जाएं भाई। बाबा को तन्हा नहीं छोड़ सकते। बाकी जो अल्लाह की मर्जी। और आज तुम सामने खड़ी होकर इस तरह से अपने बाबा पर धोखे के इल्जाम में उंगली उठा रही हो।
बहुत हो गया, अब सब्र नहीं होता मुझसे। मेरे पास बहुत अहम खबर है, अर्तुरुल भाई को ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप ना होती तो अब तक मर चुका होता मैं। एक खबर है आपके लिए और यगित के जरिए मिली हमें। Ugh!